दोस्तों जय हो करम की, मैं हूं केपी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्लॉगर केपी सिंह। ब्लॉगर केपी सिंह की आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। दोस्तों अभी मैं हूं महावीर पार्क में, जो कि बजरिया के अंदर है। और महावीर पार्क के अंदर अभी मैं जब घूमने आया तो मैंने यहाँ देखा कि नगर परिषद द्वारा यहाँ पर एक होर्डिंग लगाया हुआ बहुत बड़ा, और वो होर्डिंग है स्वच्छता ऐप का। तो हम लोग जानेंगे उस स्वच्छता ऐप के बारे में जो यहाँ पर होर्डिंग लगा है, उसके बारे में जो लोग आ रहे हैं उनसे हम जानकारी लेंगे क्या वो स्वच्छता जो ऐप का यहाँ पर होर्डिंग लगाया गया है कि वो लोगों को जानकारी के। तो मेरे साथ आप वीडियो में बने रहे। तो मैं बात कर रहा था महावीर पार्क के अंदर स्वच्छता ऐप के होर्डिंग की। तो आप मेरे पीछे ये देख पा रहे हैं, ये स्वच्छता ऐप होर्डिंग का यहाँ होर्डिंग लगा हुआ है, और इस ऐप के बारे में यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको जानकारी है या नहीं उस बारे में हम बात करते हैं। महावीर पार्क के अंदर अभी जो मैं बात कर रहा था, होर्डिंग लगा हुआ है स्वच्छता ऐप का। तो ये भाई हमें मिले हैं, तो हम इनसे जानते हैं, आपको जानकारी है जो ये स्वच्छता ऐप का होर्डिंग लगा हुआ है? हमें जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। तो जो ये लिखा हुआ स्वच्छता ऐप, यानी एक डाउनलोड करें, ये नगर परिषद द्वारा लगाया गया ये होर्डिंग। अच्छा। लोगों को जागरूकता बढ़े और लोग जागरूक हो, जहाँ कहीं भी गंदगी होती है अपने बजरिया में या कॉलोनी में, तो इस स्वच्छता ऐप पर जाकर वो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं। तो आपने इसको जब महावीर पार्क में आया तो आपने देखा इसे? देखा तो था। पढ़ा था इसको? पढ़ा था। तो क्या समझ में आया आपको इसको देख के? हमने सोचा ऐसे ही लग रखा है, इसे गौर नहीं किया। कोई गौर नहीं किया इसके, यानी कि जो ये नगर परिषद द्वारा होर्डिंग लगाया गया है इसका कोई सेंस नहीं है। हाँ। मतलब आप नहीं नहीं देखा था, हमने इतना गौर नहीं किया कि क्या वजह है इसकी। अच्छा, तो आप अब आगे ध्यान रखेंगे? आगे ध्यान। दोस्तों अभी महावीर पार्क की हम लोग बात कर रहे थे, और महावीर पार्क में अभी हमें एक अंकल जी मिले, और अंकल जी से जानते हैं कि अभी आप महावीर पार्क में कब से आ रहे हैं? मैं तो कभी कभी आता हूँ। कभी कभी आते हो। अभी आप आए तो आपने महावीर पार्क में जब आपके पीछे क्या लगा है, आपने देखा क्या? स्वच्छता ऐप का होर्डिंग लगा हुआ है, और ये नगर परिषद द्वारा लगाया है। नगर परिषद चाहती है कि हर व्यक्ति स्वच्छता को लेकर जागरूक हो जाए, और जागरूक हो तो वो इस स्वच्छता ऐप को कहीं ना कहीं अपने मोबाइल में डाउनलोड करे, और डाउनलोड करके जहाँ भी कहीं गंदगी हो तो उसको शिकायत कर सकता है। तो आपको जानकारी है इस चीज की? हाँ हाँ बिल्कुल, स्वच्छता के बारे में जानकारी। तो अब तक आपने कितने लोगों को इस तरह से स्वच्छता ऐप के बारे में बताया, या आपने स्वच्छ के? हाँ बिल्कुल, डाउनलोड किया है, और मैं काफी लोगों को बताता हूँ ये स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छता जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। तो आपका नाम क्या है? जगदीश प्रसाद। कहाँ से हो? सिवाड़ से। तो आप यानी कि ये कहना चाहते हैं कि लोगों को सबको जागरूक करेंगे? बिल्कुल। थैंक यू। अभी जब आप आए तो आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर एक नगर परिषद द्वारा एक होर्डिंग लगा हुआ है। जी। उस होर्डिंग पे क्या लिखा हुआ है? ये स्वच्छता ऐप। स्वच्छता ऐप? जी। तो क्या आपने स्वच्छता ऐप डाउनलोड कर रखा है? नहीं, मैंने नहीं कर रखा। क्यों नहीं कर रखा? अब कर लेंगे। इसका मतलब यही कि आप जागरूक नहीं है स्वच्छता को लेकर? नहीं, अब कर लेंगे। चलो ठीक है। ऐप के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, यूँ कहेंगे कि सरकार द्वारा भी, और कहीं ना कहीं नगर परिषद द्वारा भी वो जागरूकता बढ़े और स्वच्छता ऐप को डाउनलोड करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये जरूरी चीज़ है, इससे बीमारियां दूर होगी और हमारा विकास भी होगा। बहुत बढ़िया। और स्वच्छ, ये कहेंगे स्वच्छ और सुंदर तो हमारा, और स्वच्छ रहेगा तो हमारे जो जनरेशन है उसको आगे शिक्षा मिलेगी और बीमारियों से हमें बहुत राहत मिलेगी। तो आपका नाम क्या है? सरताज खान। कहाँ रहते हैं? हम आकाशवाणी के पीछे रहते हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हूँ BSNL से। अब आप लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक करेंगे और जो स्वच्छ ऐप के बारे में भी बताएंगे? यस सर। आपका नाम? रामस्वरूप इंदौरिया सर। तो आप महावीर पार्क में कब से आ रहे हैं? बिल्कुल पिछले 2 साल से चल रहे हैं। तो जब आप आए यहाँ तो आपने देखा कि यहाँ स्वच्छता ऐप का एक बहुत बड़ा होर्डिंग नगर परिषद द्वारा लगाया गया? नगर परिषद द्वारा लगाया गया, जनहित में अच्छी चीज़ है वो, और इससे हम कोई भी स्वच्छता ऐप डाउनलोड करके कोई भी किसी तरह की हमारी गली मोहल्ले की शिकायत को ऐप पर डाल के और प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इससे एक जागरूकता पैदा होती है। बहुत अच्छी बात कही। कहीं ना कहीं मैं बहुत लोगों से अभी मैंने इंटरव्यू लिए, मगर एक ऐसे जागरूक व्यक्ति मिले जो ये बात कहना चाह रहे हैं कि स्वच्छता ऐप को डाउनलोड करें, और जो हमारे कहीं ना कहीं जिले प्रशासन की जो कहीं खबर है या गंदगी है उसे हम लोग डाउनलोड करके और बताएं प्रशासन को कि यहाँ गंदगी है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि स्वच्छता ऐप डाउनलोड किया जाए, और उसके बाद में लोगों को भी जागरूक किया जाए कि स्वच्छता ऐप को डाउनलोड करें। अभी हम लोगों के साथ में कुछ नियोजक है, और ये कहेंगे स्टूडेंट भी है। मैं जानता हूँ इनके बारे में कि ये कहाँ से हैं। पहले बात तो आप कहाँ से हो? टोंक जिले से। क्या नाम है आपका? अल्ताफ खान। चौथका बरवाड़ा अनिस खान। मैं खंडार तहसील से हैं, सिंगोरकला गांव से, गिरिराज प्रसाद बैरवा। बहुत अच्छी बात है। और हम भाइयों से जानते हैं कि जो ये आप यहाँ पर आए महावीर पार्क में, तो आपने स्वच्छता ऐप का यहाँ बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, क्या आपने देखा था? देखा था। इससे देखने से क्या आपको जागरूकता आई? स्वच्छता अभियान अपनाना चाहिए हमें और ज़्यादा।
हमको जो स्वच्छ ऐप है, स्वच्छता का ऐप है, वो वाला डाउनलोड करना चाहिए और करवाना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं क्या रहेगी, स्वच्छता 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 रहेगी। तो आप लोग ये वादा करते हो कि आप खुद भी अपने मोबाइल में स्वच्छता ऐप का डाउनलोड करेंगे? करेंगे बिल्कुल। और लोगों को भी जागरूक करेंगे? आपका नाम? राहुल जायसवाल। कहाँ रहते हो? चौथका रोडा। आपने जो ये स्वच्छता ऐप का यहाँ पर होर्डिंग देखा क्या? हाँ। कब देखा था? ये अभी आए थे तब। तो आपने अपने मोबाइल के अंदर स्वच्छता ऐप का जो डाउनलोड कर रखा है? हाँ, अभी अभी किया था, अंदर गए थे तब। क्यों किया? वो स्वच्छता के लिए, मतलब स्वच्छता अभियान अपनाना चाहिए उसके लिए। और लोगों को भी जागरूक करेंगे? बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस ओर कहीं ना कहीं ध्यान दिया। बिल्कुल। आपका नाम? लोकेंद्र प्रसाद गोड। अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? हम महावीर पार्क में। जब आप महावीर पार्क में आए तो आप सच्चाई से बताना, अपने दिल पे हाथ रखे ना, कि आपने यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो देखा था? हाँ। क्या है? स्वच्छता अभियान का है। क्या है इसमें? इसमें लोगों को जागरूक करने के लिए, ताकि अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करे और लोगों को भी जागरूक करे, ताकि वो भी अपनी स्वच्छता के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ कर सके, मतलब स्वच्छ कर सके अपने। बहुत अच्छी बात है। एक बच्चे ने हमको बताया कि यहाँ पर एक होर्डिंग लगा हुआ है स्वच्छता ऐप को लेके, तो इसने बताया कि इसने डाउनलोड भी किया है और औरों को भी जागरूक करेंगे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से सब लोग इस वीडियो को देखते हैं वो सब लोग अपने मोबाइल के अंदर स्वच्छता का ऐप डाउनलोड करें, और कहीं भी गंदगी है तो उसे उस पर फोटो खींच कर और अपनी शिकायत कर सकते हैं। नाम क्या है? सीताराम। और अभी आप महावीर पार्क में होते, तो आपने स्वच्छता के बारे में या स्वच्छता ऐप देखा? बिल्कुल देखा है सर। तो ये आप बता सकते हो कि क्या जिम्मेदारी है हमारी स्वच्छता के प्रति? स्वच्छता के प्रति सबको साफ रखना चाहिए, और स्वच्छ रहने से मतलब इन्हें बढ़िया रहता है। तो लोगों को जागरूक करेंगे आप? स्वच्छता बिल्कुल साहब, जागरूक करेंगे स्वच्छता के बारे में, उनसे कहेंगे कि आप भी सब अपने अपने सामने तो सफाई रखो ही रखो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।